एक बार फिर से स्वागत है। आरएससीएलडी के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम 7 नंबर के लेसन है आरएससीएलडी के, और उसके पार्ट नंबर 7 एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के नागरिकों के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 24 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से लिए गए हैं, जिससे कि आप इनमें से पढ़ाई करके यानी कि कम क्वेश्चंस को करके आप आराम से यहाँ पे आरएससीईआरटी के पेपर पास कर सके। मिलते हैं, चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार का राशन प्राप्त किया जा सकता है? यदि हम लोग ईपीडीएस से राशन लेना चाहते हैं, ईपीडीएस से राशन की दुकान से जो आप राशन लाते हैं वो, उसमें आपको शुगर, राइस और वीट यानी कि चीनी, चावल और गेहूं, ये तीन मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है उपरोक्त सभी, डी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस की P2C प्रकार का एक उदाहरण है? सी सही जवाब होगा, LIC प्रीमियम पेमेंट, या ओ सॉरी मोबाइल बिल पेमेंट ये भी होगा और LIC प्रीमियम ये भी होगा। तो बी सी में दे रखा है ए और बी दोनों, तो जवाब में सही जवाब में आएगा सी, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, राजनेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? राजनेट में तीनों चलते हैं, लैन का भी होता है, सैटेलाइट भी है, एस वैन भी है, यानी कि प्रो ऑल ऑफ अबो, डी सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? एपीएल और बीपीएल दोनों के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सही जवाब में होगा डी, बोथ बीपीएल एंड एपीएल। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, एपीएल का पूरा नाम और बीपीएल का पूरा नाम, ये दोनों भी चीजें आपको याद रखनी है। बीपीएल का पूरा नाम बनता है ब्लू पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का पूरा नाम बनता है एबो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भामाशाह योजना का या के उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी ठीक है, इफेक्टिव सर्विस डिलीवर ये भी ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट ये भी ठीक है। तो सही जवाब में होगा डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 6, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत किए जाने वाले ऋण राशि पर ब्याज क्या लगता है? डी सही जवाब होगा, 4% पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? 5 साल, बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, सही जवाब होगा सी। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन किया गया आपको एग्जाम ने, गवर्नमेंट टू सिट कंज्यूमर भी लिखा है C4, C4 कस्टमर भी लिखा है, और C4 सिटीजन भी, गवर्नमेंट के साथ नागरिक होता है इसलिए गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा, सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, राज ई वोल्ट किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? राज ई वोल्ट यहाँ पे होता है आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट, बी सही जवाब होगा यहाँ पे, और बी होगा आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ये भी ठीक है, और कोर बैंकिंग ये भी ठीक है, इसका मतलब सही जवाब होगा डी, ए और बी दोनों, डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ई मित्र मॉडल किस तरीके के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? G2C का भी और B2C का भी, तो सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है? सी सही जवाब होगा, लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? सी सही जवाब होगा, राज वेलफेयर नहीं है, राज ई साइन भी है, सिंगल साइन ऑन भी है, राज ई वोल्ट भी है, वेलफेयर नहीं होता है, सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का के लाभ है? स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईपीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 16, राजधरा किस तरीके की सेवा है? राजधरा होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही जवाब होगा सी, GIS। और क्वेश्चन 2 है इसके अंदर, एक GIS का पूरा नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 17, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकता है, कॉल सेंटर से कर सकता है, ई मित्र से भी कर सकता है, सही जवाब डी होगा, ऑल ऑफ अबो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरीके से मिल सकता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये होगा आपको, सही जवाब में है बी, ए और सी दोनों, लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जवाब दिया है वो गलत दे दिया है। आईपीडी और ओपीडी दोनों में नहीं होगा, ओनली आईपीडी पे होगा, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जब वो भर्ती हो जाता है तो उस पे किया जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? डी सही जवाब होगा, G2E। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन जवाब में दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नहीं नहीं होगा क्वेश्चन में, ये होगा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे निम्न में से कौन ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार है? तो सही जवाब में होगा G2E, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस प्रकार के बैंक हिस्सा लेते हैं? सी सही जवाब होगा, कॉपरेटिव बैंक और लोकल बैंक, नेशनल, ऑल ऑफ अबो, सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, राज मेघ के संदर्भ में SSS तात्पर्य है, यह होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन भी है, मॉडरेशन है, एलोकेशन है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होगा, सी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? सही जवाब होगा डी, सहकारी बैंक भी दे सकते हैं, राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय बैंक सभी दे सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, भामाशाह योजना के अंतर्गत में DBT का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इस लेसन में हमने 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किए हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं RSCIT के इसी एग्जाम के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।